कांग्रेस की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। यही हमने केरला में भी देखा है, यही हमने यहां कर्नाटका में भी देखा है। आप देखिए केरला में इनके सहयोगी कौन लोग हैं, आप यहां कर्नाटका में देखिए कौन इनको समर्थन दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहरों भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया, काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनी रे, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था, कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं, इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंग बली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है।